ये लोग जो अकेले एक युवक को जानवरों की तरह पीट रहे हैं, आरोप है कि ये लोग खालिस्तान के समर्थक हैं। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था जिसमें खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन वीडियो देखने के बाद इस युवक ने उन्हें देशद्रोही कह दिया, तो आरोपियों ने युवक को दिन दहाड़े पीट पीट कर अधमरा कर दिया। ये पूरा मामला सीएम सिटी करनाल का है और सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि दर्जन भर से ज्यादा लोग एक युवक को सरेआम पीट रहे हैं। एक रील्स के ऊपर उन्होंने रील्स डाली हुई थी, उसमें मैं खालिस्तान के बारे में लिख रखा था उन्होंने, तो मैंने उनसे कहा कि आप जिस देश में रहते हो उसी के साथ देशद्रोही कर रहे हो, तो उन्होंने मेरे को गाली वगैरह दी, फिर महाराणा प्रताप के बारे में भी कहा जी, तो ऐसे बहस चलती रही। उन्होंने फिर मेरी राय की रुकी करी और सेक्टर 14 में उन्होंने मेरी पिटाई करी है। किस चीज पे आपकी चैट चल रही थी? इंस्टाग्राम पे। दरअसल आरोप है कि एक समुदाय के कुछ युवाओं ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला था जिसमें खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की जा रही थी। इस युवक ने वीडियो देखा तो उससे बिना बोले रहा नहीं गया और उसने खालिस्तान समर्थकों को देशद्रोही कह दिया। बस फिर क्या था, खालिस्तान के समर्थकों ने युवक का पीछा करना शुरू कर दिया और 24 घंटे की रेकी के बाद सेक्टर 14 में युवक को दबोच लिया और दिन दहाड़े उसे जानवरों की तरह पीटा। इतनी बढ़ गई थी कि आपके पीछे लग गए वो? हाँ जी। क्या कितनी बातचीत थी उसके अंदर, कितने दिनों की बातचीत थी? एक दिन की बातचीत थी। एक दिन में इतनी बातचीत बढ़ गई थी आपकी? इंस्टाग्राम की एक रील्स थी जो उनकी रैली थी उनसे एक दिन पहले, तो उन्होंने वो पोस्ट करी थी, तो उसमें उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रखे थे, तो उसमें से उन्होंने, मैंने कहा उनको कि ये अच्छी बात नहीं है, देशद्रोही वाली बात हो जाएगी, जिस देश में रहते हो उसमें ही आप गद्दारी कर रहे हो, तो वो मेरे को गाली वगैरह देने लगे और ऐसे बहस चलती रही। आपके पास वो रील है जिस पे आपने कमेंट किया? नहीं, उन्होंने वो डिलीट कर दी वो रील। नहीं, जो उन्होंने डाली थी? हाँ जी, वो उन्होंने वो भी डिलीट कर दी। वो कब डिलीट की थी? वो उसी दिन उन्होंने रात को मेरी पिटाई करने के बाद डिलीट कर दी थी। पिटाई कैसे की आपकी? उन्होंने मेरी डंडों से पिटाई कर रखी है। कैसे पकड़ा, कहाँ, कैसे? सेक्टर 14 में जी, दोनों साइड से मेरे को घेर लिया था जी। कितने लोग थे? 15-20 जने थे। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मैं सेक्टर 13 से अपने घर आ रहा था। अच्छा जी। तो वहाँ से उन्होंने मेरे पीछे लगाई, अपनी दो कारों में थे वो, स्विफ्ट और स्कॉर्पियो में। अच्छा जी। वहाँ से मेरे पीछे लगे वो और फिर सेक्टर 13 में आके उन्होंने मेरी पिटाई करी। सेक्टर 14 में? 14 में। कितने लोग थे? 15-20 जने थे। 15-20 जने। युवक के साथ मारपीट हुई तो वहाँ मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उधर घायल युवक के परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस थाने भी पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस जहां मामले में सख्त एक्शन की बात कर रही है, वहीं युवाओं को ऐसे मामलों से दूर रहने की अपील भी कर रही है। कल हमारे पास कंप्लेंट आई थी, संदीप नाम का लड़का है, एसपी कॉलोनी रहने वाला है, उसने कंप्लेंट दी थी कोई इंस्टाग्राम को लेके इनकी दूसरे लड़कों के साथ आपस में कमेंट्सबाजी हुई है, उस बात को लेके उन्होंने इस लड़के को पीटा है, इसका इसने अपनी ये शिकायत दर्ज कराई है। और ये 14 सेक्टर मार्केट में कहीं ट्यूशन से आ रहा था, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, लड़का है, और उसको वहाँ इन्होंने घेर के पीट के मारा। कितने लोग लड़के थे जिन्होंने मारा पीटा? उसमें अभी तक ये 10-12 लड़के होंगे बता रहे हैं, लेकिन इनको नाम नहीं पता है उनके। उनकी जो इंस्टाग्राम आईडियाँ हैं वो इस लड़के ने हमारे को दी हैं, उसके आधार पर हम उनका पता कर रहे हैं। और तो आज शिकायत दी उन्होंने? इन्होंने, इस लड़के ने कल शिकायत दी थी, उसके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। कितने के खिलाफ किया? यही 10-12 अज्ञात लड़के हैं, अभी उनके नाम नहीं आए, लेकिन उनकी इंस्टाग्राम इन्होंने बताई है और इंस्टाग्राम को हमने अपने साइबर सेल में भेजा है, उसके आधार पर उनके पता करें। तो वीडियो वायरल हो रहा है इसका, मार पिटाई काफी ज्यादा, कमेंट से एक दूसरे का यही है, एक दूसरे को ये कोई खालिस्तान को लेकर और कुछ जिंदाबादी आपस में कर रहे हैं, इनको बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है पूरा, अभी क्या मामला होता है क्या नहीं, इनको आपस में इन बातों को लेके बढ़ावा दे रहे हैं, भड़काने का आपस में, और गाड़ी ग्लोच एक दूसरे को दे रहे हैं, उस बात को लेके इनका जी झगड़ा हो गया। गाड़ी के नंबर के आधार पे हम उनको, गाड़ी का नंबर से भी हम उनको भी ट्रेस कर रहे हैं और काफी हद तक हमने उनका पता भी लगा लिया है और जल्द ही हम उनको गिरफ्तार करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दरअसल देश में आजकल खालिस्तान का मुद्दा भी आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। कभी पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हिंसक घटनाएं सामने आती हैं, तो कभी धमकियों के साथ जगह जगह पोस्टर चिपकाए जाते हैं। हरियाणा में भी बीते दिन खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने डीसी ऑफिस पर खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि खालिस्तान के बढ़ते कदम को सरकारें कैसे रोकेंगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।